आपने बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई करी है पर कोई भी टेक्निक आपके लिए वर्क नहीं कर रही, कोई भी टेक्निक को यूज़ करके आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि आपकी स्टैमरिंग रिड्यूस हो रही है या कम हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको पॉज ब्रीथ स्पीक फॉर्मूला या फिर पॉज ब्रीथ स्पीक टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट हर एक स्टैमरर को उसकी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए हेल्प करेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर एक स्टैमरर को, बाकी वीडियोस में तो मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है ये टेक्निक आपके लिए वर्क ना करे, किसी और के लिए वर्क कर जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉज ब्रीथ एंड स्पीक फॉर्मूला जो है ये फंडामेंटल है किसी भी स्टैमरर के लिए एक फ्लुएंसी के साथ अपने सेंटेंस को बोलने के लिए। सवाल ही नहीं उठता कि ये फॉर्मूला किसी स्टैमरर को हेल्प ना करे उसकी स्टैमरिंग पे कंट्रोल पाने के लिए। देयर कैन बी सम एक्सेप्शन बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करा है, मैंने हर एक क्लाइंट को ये टेक्निक बताई है एंड ऑलमोस्ट हर एक क्लाइंट को उसके बेनिफिट मिले। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉज ब्रीथ एंड स्पीक फॉर्मूला और पॉज ब्रीथ एंड स्पीक टेक्निक। सबसे पहले मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि इसमें करना क्या है और उसके बाद मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब तक कि मैं रीज़न ना एक्सप्लेन करूँ तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पॉज ब्रीथ एंड स्पीक टेक्निक है क्या। इस टेक्निक में आपको क्या करना है, आपको पॉज लेना है, ब्रीथ लेना है, स्पीक करना है, पॉज लेना है, ब्रीथ करना है, स्पीक करना है। जैसे कि मेरा नाम गैलेक्सी है, पॉज, ब्रीथ, स्पीक, मैं इंदौर में रहता हूं, पॉज, ब्रीथ, स्पीक, मैं करेंटली सिविल सर्विसेज की, पॉज, ब्रीथ, प्रेपरेशन कर रहा हूँ। हर दो तीन वर्ड के बाद पॉज, ब्रीथ एंड स्पीक। अब इसको मैं और डिटेल में जा करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहीं आपको बहुत स्टैमरिंग का इशू है, आपसे वर्ड निकल ही नहीं रहा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको हर बार में एक वर्ड बोलना है। एक वर्ड कैसे बोलना है, ऐसे सांस छोड़ते हुए बोलना है। अब कैसे करना है, पॉज, मेरा नाम गैलेक्सी है, हर एक वर्ड के बाद पॉज, ब्रीथ, स्पीक, पॉज, ब्रीथ, स्पीक। कहीं आपको स्टैमरिंग थोड़ी कम है, देन आप एक बार में दो वर्ड बोलिए, जैसे कि मेरा नाम गैलेक्सी नागपुर है, मैं बालाघाट से बिलोंग करता हूँ। हर बार में मैं दो वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट फॉर्मूला सेम है, पॉज, ब्रीथ, स्पीक, पॉज, ब्रीथ, स्पीक, पॉज, ब्रीथ, स्पीक। कहीं आपको स्टैमरिंग बहुत ही एवरेज है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं जो कि थर्ड मेथड है। कैसी, ऐसी, मेरा नाम गैलेक्सी नागपुर है, मैं बालाघाट से बिलोंग करता हूँ, मैं करेंटली अभी इंदौर में रह रहा हूँ, साथ ही मैं यहाँ से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपको कहीं बहुत एवरेज स्टैमरिंग है तो आप हर बार में तीन चार पांच वर्ड बोल सकते हैं। आपको तीन चार पांच वर्ड के बाद पॉज लेना है, ब्रीथ लेना है, स्पीक करना है। ठीक है, चौथा पैटर्न क्या है इस टेक्निक का, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहीं आप इस टेक्निक में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं तो आपको अपनी स्पीड बढ़ा देनी है और आप कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार में एक वर्ड बोल सकते हैं, फिर दो वर्ड बोल सकते हैं, फिर तीन वर्ड बोल सकते हैं, फिर एक वर्ड बोल सकते हैं, फिर तीन वर्ड बोल सकते हैं, फिर दो वर्ड बोल सकते हैं, फिर एक वर्ड बोल सकते हैं, फिर दो वर्ड बोल सकते हैं। यू कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ वन वर्ड, टू वर्ड, थ्री वर्ड। मैटर क्या करता है, एक कंट्रोल में रहना है, हर दो तीन वर्ड या एक वर्ड के बाद पॉज लेना है, सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए बोलना है। कैसे, ऐसे, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटिंग टू इंडिया।
इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड करेंटली. एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज रूलिंग द कंट्री फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर. दे आर रूलिंग एट द सेंटर एंड दे हैव डन वेरियस डेवलपमेंटल वर्क्स. वन ऑफ देम इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. इट मीन्स दैट दे हैव इंक्रीज द एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड नाउ दे आर ऑफरिंग क्रेडिट टू दिस पॉपुलेशन ऑल्सो. ऑल्सो दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन द फील्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन. करेंटली वी कैन सी दैट ऑन एवरी शॉप देयर इज अ QR विच यू कैन स्कैन टू मेक अ पेमेंट एंड दिस QR इज देयर इन द शॉप ऑफ अ रिच शॉपकीपर एज वेल एज अ पुअर शॉपकीपर. हियर यू कैन सी दैट कि मैं कितने अच्छे तरीके से हर 2-3 वर्ड के बाद एक पॉज ले रहा हूँ, ब्रीथ ले रहा हूँ, छोड़ते हुए बोल रहा हूँ. पॉज ले रहा हूँ, ब्रीथ ले रहा हूँ, छोड़ते हुए बोल रहा हूँ. पॉज ब्रीथ स्पीक, पॉज ब्रीथ स्पीक, पॉज ब्रीथ स्पीक. यही फॉर्मूला आपको फॉलो करना है. ये डिपेंड करता है कि आप किस कितने वर्ड्स में कंफर्टेबल है. कहीं आपको लग रहा है कि आप 3-4 वर्ड एक बार में बोल सकते हैं, बोलिए, कोई आपको मनाही नहीं है. ठीक है, आपको लग रहा है कि आप 3-4 वर्ड एक बार में नहीं बोल पाएंगे, आप एक ही वर्ड एक बार में बोल पा रहे हैं, आप एक ही वर्ड एक बार में बोल. मैटर ये करता है कि हम स्टैमरिंग ना करें. स्लो बोलना स्टैमरिंग करने से लाख गुना बेटर है, तो स्लो बोलिए. राइट, अब बात करते हैं कि मैं आपको ये टेक्निक को फॉलो करने के लिए क्यों बोल रहा हूं. सी, स्टैमरिंग के पीछे दो रीजन, दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरीली. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल मतलब डर, एंजाइटी, ये वगैरह, जिसके बारे में हम ऑलरेडी किसी वीडियो में बात कर रखे हैं. राइट, हम यहाँ पे बात करने वाले फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ स्टैमरिंग. जस्ट लुक एट मी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बाकी की चीजें अब हम ब्लॉक हुआ, मतलब मैंने कोई फिजिकल मिस्टेक करी. मैंने क्या मिस्टेक करी? पहला, मैं इमीडिएटली कल पे जंप करा. दूसरा, मैंने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई. एंड सेम तीसरा, मेरा ब्रीथ पे मेरा कंट्रोल नहीं था जब मैं कल बोल रहा था. मैं ब्रीथ को बहुत स्मूथली नहीं निकाल पाया, मेरी ब्रीथ होल्ड हो गई. जैसे कि सांस मेरी नहीं निकल रही, सांस स्टॉप हो गई. पॉज ब्रीथ एंड स्पीक टेक्निक से क्या होगा कि आपका ना आपकी ब्रीथ पे कंट्रोल बहुत बेहतर आएगा. तो जैसे ही आपके वो वर्ड्स आएंगे जिन पे आपको स्टैमरिंग होते हैं, आप उसको काफी इजीली बोल पाएंगे. इसको अगेन मैं एग्जांपल से ऐड करने जाऊंगा. जस्ट अज्यूम कि ये एक हाईवे है. इस हाईवे पे एक ब्रेकर लगा हुआ है. यहाँ पे आप काफी स्पीड से आ रहे हैं, आप बिना कंट्रोल में आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं. जैसे ही आप ब्रेकर से टकराएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा. सेम एक स्टैमर क्या करता है कि स्टैमर हर एक वर्ड पे स्टैमर नहीं करता, वो कुछ स्पेसिफिक अल्फाबेट्स लेटर पे स्टैमरिंग करता है. वो आता है, आता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपनी ब्रीथ पे, उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपनी स्पीड पे. वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. जैसे ही वो वर्ड आता है जिसपे उसको स्टैमरिंग होती है, मेरे केस में मुझे क ट प पे होती है, जैसे ही वो वर्ड आता है, वो उससे टकराता है, उसको बहुत गंदी वाली स्टैमरिंग हो जाती है. ये होता है जब वो कंट्रोल में नहीं रहता. बट जब एक स्टैमरर पॉज ब्रीथ स्पीक टेक्निक के साथ आता है, तो उसका कंट्रोल होता है उसकी ब्रीथ पे, उसके रेट ऑफ स्पीच पे. तो वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है. जैसे ही ब्रेकर आता है, वो अपनी स्पीड स्लो डाउन करके उसके ऊपर से निकल जाता है, मतलब उसका एक्सीडेंट नहीं होता. राइट, तो ये है पॉज ब्रीथ एंड स्पीक फॉर्मूला का बेसिक इंपॉर्टेंस, जिस कारण आपको इस टेक्निक को यूज करने से स्टैमरिंग नहीं होगी. ये फॉर्मूला मैंने भी यूज कर रखा है अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए.
अभी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अभी कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो चुका है कि पॉज पे, ब्रीथ पे, स्पीकिंग पे उतना फोकस जाता ही नहीं, जस्ट फ्लो में सारे वर्ड्स निकल जाते हैं। बट ये 2.5 साल की मेहनत के बाद अचीव हुआ है, बट इनिशियल लेवल पे मुझे भी पॉज, ब्रीथ, स्पीक पे फोकस करना था, मुझे भी उस चीज़ ने ही हेल्प करी है। एंड काफ़ी सारे स्टैमरर्स जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको ये टेक्निक बहुत हेल्प करती है। मेरे कहने पे 1-2 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। दिस वॉज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।